जो करने वाली हूँ उसके बर्थडे सरप्राइज के लिए वो ये है कि मैं टैटू बनवा रही हूँ। ये ब्लॉग है रजत के लिए एक सरप्राइज बहुत बड़ा, क्योंकि उसका बर्थडे है 17 जुलाई को और हम ट्रिप पे जा रहे हैं। तो मैं उससे पहले ही जो करने वाली हूँ उसके बर्थडे सरप्राइज के लिए वो ये है कि मैं टैटू बनवा रही हूँ। अगर रजत के नेम का उसको कुछ भी नहीं पता है, अभी मैं टैटू बनवाने आई हुई हूँ और मुझे डर भी लग रहा है, तो मैं बहुत कॉन्शियस हूँ, ढंग से कुछ बता नहीं पा रही हूँ। मुझे डर लग रहा है कैसे बनेगा, दर्द रहेगी या क्या रिएक्शन रहेगा, तो अभी देखते हैं। पहले तो मैं फ़ोन डिसाइड करती जाके मुझे क्या फ़ोन चाहिए, और टैटू की प्लेसमेंट एग्जैक्टली ये सोची है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रजत लिखूँगी और लिख रहेगा। और मेरे साथ अभी श्रुति आई है, तुषारा है और आर्यन। क्या हो गया मुझे, कॉन्शियस हूँ थोड़ी सी, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाऊँगी, बट ये बहुत बड़ा सरप्राइज है और तुम्हारे को सब कुछ देखने को मिलेगा, सबके रिएक्शंस, मेरे घर वालों के, उसके घर वालों के, स्पेशली रजत के, तो वो सब देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। आधार बारकोड और लगवा लें। भाई मैं कह रहा हूँ इसको बारकोड लगवा ले रजत के नाम का, सीधा स्कैन भैया। कुछ लगे कर ही लेंगे भैया, ठीक है शादी कर लूंगी, वरना घर वाले टैटू रगड़ने के लिए ईंटें ले आएंगे। नहीं तो लेदर मरना पड़ेगा, फायदा भैया का ही है ना। पतला नहीं, आपको होगा भी नहीं, लाइट नहीं होगा, जैसे उसका लाइट हो रहा था ना वैसे लाइट नहीं होगा। कहाँ से बनवा सकते हो यार, कहाँ से भैया, कहीं कोई टैटू बनवा लिया, रिप्लेस किसने भी दिया था, यही लग रहा है, वो भी स्वेल हो रहा है, स्वेल हो रहा है। फाइनली मेरा दादी बन चुका है।
अब शायद मेरे को चेस्ट का दर्द है तो मैं पियर्सिंग भी करा लूँ श्रुति को देख के, पर अभी तो मेरे को बहुत कॉन्शियस महसूस हो रहा है, तो 5 मिनट बाद आई गेट बैक टू यू। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है रजत को दिखाने के लिए भैया। चलो कपड़े पहने, मम्मी ने मना किया तो इसको ऐसे ही छोड़ना, कपड़े पहनो कपड़े पहन रही हूँ ठीक है। अब मैं थोड़ी देर में निकल जाऊँगी, रजत के पास जाऊँगी, बाकी इसे पियर्सिंग करानी है तो ये कराएगी, फिर उसके बाद हम चले जाएँगे, फिर हम घर जाके रजत का रिएक्शन लेते हैं उसको कैसा लगता है। रजत को मैंने छुपा लिया ताकि कोई लेके ना जा पाए, धूप लग जाएगी बात। अभी हम कुछ खाने पीने आए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और बेचारा आर्यन वीडियो शूट कर करके थक गया था, और श्रुति बेचारी पियर्सिंग करा के थक गई है, तो अब हम कुछ खाएंगे। मैं बढ़िया हूँ। अरे कुछ करेगी तुम्हें? नहीं नहीं कुछ नहीं, बंद कर देंगे। नहीं आता, मैं कहा मैडम आएगी आती है। और बताओ क्या बताओ, मुंह धोने जा रहा हूँ यार, मुंह धोने जा रहा हूँ। तेरे घर आने से पहले मुझे झाड़ू मारनी पड़ती है, क्या करूँ, कभी जिंदगी में काम नहीं करे। हाँ हाँ ब्लॉग चल रहा है, चिपका चिपकी नहीं करनी, चिपका चिपकी, ये चिपका चिपकी है, फिर चिपका चिपकी करूंगा तो माई बन जाएगी तो। ये हट कर, तुझे हग मी, तुझे करेगा तेरे, तुझे नहीं करेगा, तुझे अभी अभी, अरे मैं आगे तो जा, सब करेगा आगे। मेरे को डर लगता है, अनाकुल लोगों को मारते हैं। इधर बैठो रजत, पहले मेरे को आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? कहीं मुंह मार के आई है। ये क्या कर रही है? कुछ ना बनी, मैं खड़ा तमीज से बैठ रहे थे, कुछ बताऊंगी, बिल्कुल ऑनेस्ट रिएक्शन देना ठीक है, बिल्कुल ऑनेस्ट रिएक्शन, ऑनेस्ट रिएक्शन दूंगा। मजाक से अब मैं नहीं करता, मैं नहीं बताऊंगी। मैंने बोला ना प्लीज, मैं नहीं बता रही, बोल के गई, मैंने बोला ना जा, इनके पास ये लड़कियां हैं, आपको मेरी कसम है एवेंजर्स, ऑनेस्ट रिएक्शन होगा, मैं कुछ बताऊंगी तो। मेरा कुछ पता तो नहीं चल गया, मेरे से मेरी कोई जीत पूछ ले, नहीं तेरे पास बताओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। पहले बता लो, पहले बता रहा हूं क्या कहना चाहती है, ठीक है ऑनेस्ट रिएक्शन, ऑनेस्ट ओके, मैं ईमानदारी से ऑनेस्ट लूंगा, खाओ मेरी कसम, खाओ खाओ क्या खाना है, खा लिया आप ऑनेस्ट रिएक्शन, कोई भी ऐसे नहीं कि व्लॉग के चक्कर में, प्लीज मेरे व्लॉग के चक्कर में बोल रही है, हट हो जाएगी रजत, ओके मजाक से जल्दी वो नाच ठीक हो जाएगी, कलाइयों की नदी है ये, आंखें बंद करो भाई, तो थूक थाम लेगी मेरे को, तेरा होगा नहीं, आंख वहां बंद करने की बात नहीं हुई थी, कसम कसम की बात है, आंखें बंद करो, मुझे कुछ नहीं हुई, प्लीज प्लीज नहीं, तू मेरे को कुछ कर दी, थूक देगी मेरे मुंह पे, तू तेरा क्या बोल, तेरा पे नहीं बोलूंगा, मेरी फीलिंग्स हर्ट, मेरी क्या, मैं मेरे ऊपर कुछ गंदा नहीं करे, तेरी फीलिंग्स हर्ट हो जाएगी, मेरा मुंह गंदा हो जाएगा, मेरी तो खुली है, जैसे डर लग रहा मेरे बहुत, ये टॉप क्यों पहना तूने, ऐसा ये नंगापन दिखा रही है मेरे को, साली एक गंदी बात से कर रहा है, मैं क्या दिखा रही हूँ, क्या दिख रहा है, क्या दिखूं, वो तेरी बहन की, इधर आइयो जरा इधर, ये नकली होगा, ये जानबूझ के कर रहा है, नहीं जानबूझ के नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है नकली है, नकली तो है ये, नकली है ये, नहीं तो पहले दिनों कैसे गड़े 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 से दिखते हैं, दर्द हो रही है, दर्द नहीं हो रही है, नकली है, मुझे वीडियो दिखा अपने फोन के अंदर, असली बनते तो मुझे पता है, रियल है वो, है रियल है, रियल रियल कुछ नहीं, चीजें बना रही है, अरे मैं खुद गया हूँ साथ, मुझे लग ही नहीं रहा असली है, असली वो जरा इस पे निशान बनता है, पापड़ी से बनने लग जाती है, अरे बने हुए कितना टाइम हुआ है, वो दे रहा हूँ रिएक्शन झूठी,
अगर मेरे रिएक्शन असली वाला निकल गया ना अंदर से मेरा प्रैंक कर दे कि मैंने प्रैंक करा दिया तेरे पर। पापा करते हैं। पापा किसके? मेरे। मतलब मेरे पापा? मेरे पापा। तो तेरे पापा मेरे पापा नहीं है? नहीं टैटू बनवा के हाथ हो गई आपको? मुझे वीडियो दिखा इसके टैटू बनते मैं मान नहीं सकता। ब्लॉग का टैग चला जाएगा तू नॉर्मल वीडियो बनाता रहा मैं इसको दिखाती हूँ। एक काम कर मेरे फोन से ऐसे कर दे इसका ब्लॉग बनता रहेगा। विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मैंने टैटू बनवाया है। हम सुबह सुबह गए यार ऐसे मत बोलो। मेहनत करी है पल पल से दिखा मुझे पूरा रजत टैटू तो ठीक है तेरी छाती पे हाथ क्यों रख के बैठा है? तो लड़की से ही बनवा सकती थी। लड़कियां थोड़ी अच्छा बनाती हैं। ये यहाँ रख के बना रहा है। ऊपर भी है वीडियो बहुत सारी है ये ऑनेस्ट रिएक्शन देगा ही नहीं देखियो ये ऑनेस्ट नहीं रहेगा कैमरे पर। मैं पहले चेक करूँगा नहीं है। हाँ। सोच रहा है क्या रिएक्शन होगा घर पे हम तो कैमरा बंद कर तू। आ जाते हैं। नहीं मतलब एकदम से एक तरफ देख रहा हूँ लॉक ठीक है ये समझ नहीं आ रहा। कैमरा नहीं बंद करूँगी। मैं सच बताइए क्यों बंद करूँगी? बर्थडे पे क्यों देना तुम्हें? प्री बर्थडे। नहीं जो मुझे देना है वो देना। मैं तो दो साल से एक ही चीज मांग रहा हूँ। रजत क्या कर रहा है ना? प्री बर्थडे गिफ्ट है। मैं सच्ची में क्या करूँगा? क्या मैं क्या करेगा ही नहीं? सर्दी लगा लो। क्या मैं क्या ही नहीं? इसने मेरा पोपट कर दिया गाइस। मेरा पोपट हो चुका है। नाटक करेगा और कुछ नहीं करेगा। नाटक करना तो मैं भी कर देता हूँ। रजत ऐसे वाले नाटक नहीं रोने वाले नाटक नहीं रोने वाले नाटक नहीं। अब कैसा लग रहा है इसमें बताओ? भानु न्यू का फोन आ रहा है। अब कल का तुम्हें किसी को छुटने को छोड़ के किसी और क्या भागी वही करेगा। ये कौन है? टैटू वाली की बात बता दो। कह रहा मैम इतना बड़ा मत बनवाओ हटवाना पड़ गया तो। मैं कहा पागल है तू शादी करोगे ना? मैं हाँ शादी करूंगी। कह रहा मैम आजकल के लोगों को पता नहीं है पहले नाम लिखवाते फिर हटवाने। हाँ तेरा बाप लग रहा है ना वो बताएगा छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा। तेरी छाती पे आकर क्या बना हमने उसके कुत्ते के? तुम क्या बोलो मतलब ब्लॉग में गाली इतनी गंदी गंदी गालो तेरे चैनल ही ब्लॉक हो जाएगा। छाती मुझे दिख रहा कुत्ते का बच्चा यूं बना रहा है। कमर पे बनाया मेरा मतलब ये था जब भी टैटू बनाया कमर पे बनाया था कि यहाँ कमर पे हाथ लगे। ब्लॉग बन रहा है वो देख लेगा तो मैं क्या करूँ? ऐसे नहीं होता उसे कुछ भी वो बहुत अच्छे से कर रहा है उसका काम सच बताए। उसकी इंटेंशन ऐसी थी मैं देख गई थी। मेरी इंटेंशन तो ऐसी है देखने की। मुझे अभी भी डाउट नहीं हो रहा असली है नकली है। रगड़ लो रगड़ो ना कुछ। आई लव यू नहीं लिखवाया मैंने रजत लिखवाया। मैं तो क्या बोल रहा हूं आई लव यू तो मुझे पता है कुछ नया बताते बहुत बेकार रिएक्शन है। रिएक्शन देने के तेरे कैमरा को देखा हमने रिएक्शन दो रिएक्शन है तो बत्ती बंद करो चलो यार तुम जाओ अभी दो रिएक्शन तुम्हें मेरे घर वालों की रिएक्शन कैप्चर करा सारी ब्लॉग चाहिए तो दीदी नहीं आप नीचे आना एक बार आ रहा हूं उसे बोल स्वाति के नंबर से फोन कर रहा हूं एक बार दीदी नीचे आना फटाफट कहाँ जा रहे हो? हेलो हाँ बानू जा रहा हूँ मेरे घर वालों के रिएक्शन अगर अच्छा व्लॉग चाहिए ना
अब तेरा व्लॉग चाहिए तो मैं बता रहा हूँ, डिसअपॉइंटेड मैं तो रो दूंगा, मेरे को तो आ रहा है रोना, लेकिन मैं कैमरे आगे नहीं रो सकता, लोग मुझे कहेंगे इमोशनल फूल, आई डोंट फील दैट। नकली लग रहा, पहला दिन तो साफ देख रहा हूँ, मैं नकली नहीं लग रही आपको, मैं नकली में नाटक कर रही हूँ दो साल से, ऐसे नहीं लग रहा। नहीं वैसे एक बुदा हुआ तो है कुछ, मैं जाऊंगी मम्मी को दिखाया, मुझे डर लगता है। क्या हुआ ये देखो, गरम कांड कर रहे हैं लड़की में, क्या लाइट जलाओ, लाइट है बीमारी पड़ रही है, तुम टैटू सब किस कैट कलर से लिखा हुआ है, क्यों ले हूँ लिया इनके कब बजते हैं? मेरे भी सोचती है, मुझे पता नहीं चलता। लूडो छोड़ो ना, लूडो काम आएगी, बहू रानी काम आएगी, बीमारी पड़ रही है, टैटू बनवाया, अरे सोचा हुआ है, सच में दबा दो जोर से, सच्ची में कैसा लग रहा, यहाँ लिखवा ले इसकी ज्यादा कर, नहीं मेरे दिल में है ना वो, उसको उधर देख के बता दो ना, उधर देख के बताओ, कैमरे में देखो, नहीं देखेंगे ठीक है, अभी रजत को आएंगे, क्या कह रहा है ये, पूरी एक्टिंग करके दिखाऊंगा, इसके इमोशन थोड़ी है, हमारे इमोशन है कुत्ते बराबर है, इसके मैं सबसे ज्यादा जिंदगी में कुत्ते से ही करता हूं, कुत्ते बराबर ही है इमोशन मेरे, मैं तो नहीं करती ना इतना प्यार कुत्ते से, नाटक कर रहा है एक्टिंग कर रहा है, कुछ नहीं है, जो मुझे पता था जो ये कर सकता था ना इसने वो नहीं किया, मैं गुस्सा, गाइस एक बात बताओ, सो बात हो गया, मैं कोई एक्टिंग नहीं करता तुम्हारे लिए, ब्लॉग व्लॉग में कुछ भी, मतलब कहने को मैं दो मिनट मतलब उस दोनों रोने की एक्टिंग भी कर लूँ वाली बात नहीं है, एक्टिंग क्यों करनी, कोई बंदा मेरे सामने आए जो मेरे पे उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, कैमरा ये वो व्लॉग बन रहा है कुछ है, मुझे रिएक्शन देना, मुझे डर पहले करे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेगी, तो मैं पहले उस जोन में चले गया एकदम चुपन्ने वाले जोन में, फिर मैं देखा मैं एकदम क्या होपलेस सा हो गया, समझ में आया मैं क्या बोलूँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा रिएक्ट क्या करूँ, समझती नहीं तुम मेरे को, पिक्चर थोड़ी बन रही है, थोड़ा सा अभी करूँगा ना अकेले में, लेकिन guys, I'm giving you the reaction for your vlog, na. Wait, zoom लाइयो, मैं किस करूँगा अपने नाम पे, ठीक है? रुक जा, चलने लगती है। कितना दर्द होगा मेरे बच्चे को? ये सारा दर्द मैं दूर करूँगा, इतना प्यार दूँगा तेरे को। तेरी क्यों सजो? मुझे चीजें सुननी थी ना। इमोशनल हूँ, खुशी तो हो रही है भी, अच्छा तो लगता है बट ऐसा लगता है यार प्रेशर आ गया सर के, थोड़ा सा कितना वक्त मिला है, शादी मैं बहन जो मैं तो बच्चे भी प्लान कर चुका हूँ, लड़के का नाम बॉम्बे रोहन, नहीं लड़के का नाम रौनक, बेटी का नाम ख्वाहिश,
मेरे को पीछे पड़ रही है, तू अपना दिमाग में चढ़ा, मम्मी कह रही है मेरे पीछे पड़ रही है, कि रोका नहीं सीधा एंगेजमेंट कराएंगे हम, तेरे एंगेजमेंट कर, मैं ना भाई माफ कर, नहीं 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 तू तेरी रिंग बहुत महंगी आएगी, तू फालतू मेरा 2026 में शादी कर लेंगे, 26 में, हां 26 में तो दूसरी वीडियो होगी मेरी, फिर आइए रजत लिखा हुआ देखो मेरे पास सिग्नेचर है इसका छाती पे, 26 में 26 में उन्होंने आवा करते फिर उन्होंने तो लल्ले मेरे छाती कितनी अच्छी लगी, दर्द होने पापड़िया बन गई तो चली जाऊंगी मैम, दिल पे पत्थर रख जाएंगे, दिल पे पत्थर है रजत दादा, पत्थर पत्थर बता दिए मेरे को, अब मेरे को ऊपर से ऊपर आके मम्मी कह रही है कि तू नाटक कर रही थी कल, तो तू बड़े ड्रामे कर रही थी कि तेरी तबीयत खराब थी, मुझे ड्राइवर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो ना कल में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, पर मैंने सोच रखा था कि आज मेरे को व्लॉग बनाना है, मुझे जाना है, तो मैं जाऊंगी और अच्छे से रहूंगी बिल्कुल, ताकि मैं तबीयत ना खराब करूं और ना ही मैं बीमार अपने आप को फील करूं, तो मैं बहुत एक्टिवली गई थी आज, अब मेरे को थोड़ा थोड़ा हो रहा है, मैं बोल रही थी फिर आज मैं घर जाके पढ़ लूंगा, देख रहे हो बिना बाल वाली छाती, ये छाती होती है ना, तभी तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा टाइम ले लूं शादी के लिए, ये नालायक सी है, अब लंबा खींच रहा हूँ व्लॉग, तो गाइस आज का व्लॉग होता है यहीं पे खत्म, अब इसको एक्शन शुरू, मैं सच्ची बताऊं आज का व्लॉग होता है यहीं पे खत्म, जो रजत का ओवर रिएक्शन था वो बहुत ही बेकार था, वो सच्ची में रिएक्ट नहीं करेगा ऑन कैमरा, मुझे पता था, मुझे कहीं ना कहीं लग भी रहा था, पर कहीं ना कहीं लग रहा था कि चल दो मिनट के लिए कुछ ऑनेस्टली बोल देगा, पर अभी वो कुछ नहीं करेगा, वो ऑफ कैमरा जाके बस हरकतें करनी शुरू कर देगा और कुछ नहीं करेगा, तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म होता है, अगर आपको ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग और बहुत अच्छा सरप्राइज लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, आज का व्लॉग ये खत्म होता है, बंद करो यार।